पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी महानगर ने कांग्रेस पार्टी द्वारा इमरजेंसी के दौरान किए गए जनता पर अत्याचारों के विरोध में काला दिवस मनाया। मुख्य अतिथि विधायक अनूप शहर संजय शर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी हिटलर शाही का परिचय देते हुए देश में आपातकाल लगा दिया था, जिसमें उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया, संपत्ति तक जब्त कर ली गई थी। इतना अत्याचार तो कभी अंग्रेजों ने शासनकाल में भी नहीं किया था। लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। इमरजेंसी के दौरान कोई भी न्यायालय तक नहीं जा सकता था, लेकिन अब राजनीतिक लाभ के लिए लालू मुलायम राहुल लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। कहा गया कि भाजपा सरकार में गुंडे माफिया भूमिगत हो गए हैं, भ्रष्टाचार कम हो रहा है, 2019 में मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। इस अवसर पर MLC डॉक्टर जयपाल सिंह बस्त ने कहा कि इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाया गया था, वो इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे काला दिन था। जनता को यातनाएं दी गईं, 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू कर दिया गया था, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारी भाजपा की 20 राज्यों में सरकार चल रही है, क्षेत्रीय दल एक साथ हो रहे हैं, हमें इनका सामना करते हुए इन्हें नंगा करना है। नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनानी है। सोमदेव नागपाल ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है, जो आज समाप्ति की ओर है। महानगर अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता, नथुराम कश्यप, वीरपाल, कमलनाथ राय, राजीव गुप्ता, अंजू लोचव, कविता गुप्ता, पूनम चौहान, सुमित शर्मा, हीरा भारती, अमित शर्मा, KP सैनी, अरविंद सिंह, शमी भटनागर, नवदीप टंडन, आलोक सैनी, प्रतीक मित्तल, सोमपाल हरेंद्र, प्रेम प्रजापति, राकेश शर्मा, विशाल, हरीश, अश्वनी, नीरज, अशोक गाबा, अनिल, विक्की, चंद्रशेखर, राजीव चौधरी, राम प्रकाश, प्रदीप, अरुण पंडित के साथ और भी लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। 25 जून 1975 को इस देश में उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था, और वो दिवस और उसके बाद 1977 तक का कालखंड इस देश के लोकतंत्र में काला काल के रूप में जाना चाहिए। हमारी पार्टी और वो सभी राष्ट्रभक्त लोग जिन्होंने उस समय इसका विरोध किया था और देश में लोकतंत्र की रक्षा की थी, उनके सम्मान में हम आज लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में इस कार्यक्रम को आयोजन कर रहे हैं, और सभी जिलों में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। ये उनके प्रति हमारी कृतज्ञता और हमारी पार्टी का जो उनके प्रति आदर भाव है उसको प्रकट करने के लिए। क्या कहें, आपातकाल जो लगा और आपातकाल लगने के बाद में जो स्थिति बनी उस पर क्या कहें? आपातकाल तो वास्तव में, क्योंकि हमने अपने देश में आज़ादी से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ थी वो लोकतंत्र की का आना था, और जब उस लोकतंत्र पर कुठाराघात हो रहा था 1975 में, तो वास्तव में हमारा देश भटक सकता था। उस देश को उसी रास्ते पर रखा गया, हमने लोकतंत्र की, हमारे सभी जो लोकतंत्र सेनानी उनके समर्पण और त्याग के कारण आज हम लोकतंत्र को फिर से बचा पाए हैं, उसी के कारण हम आज एक विश्व गुरु बनने का सपना देख पा रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।